बहते हुए आंसू और निकलती हुई सिसकियों के बीच कर्बला के मैदान में पहुंचा चहलों का जुलूस। 30 सितंबर को आजमगढ़ जिला के सरायमीर बाजार में सिया समाज द्वारा अकीदत के साथ चहलों का त्यौहार मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के संचालक जीसान अली कर्बला के मैदान में हुसैन के परिवार पर गुजरी हुई मुसीबतों की दास्तां बयान कर रहे थे, जिसे सुनकर वहाँ बैठे हजारों महिलाओं और पुरुषों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी तो होठों से सिसकियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हूबहू लोग कर्बला के मैदान में हुसैन के परिवार को कत्ल करते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे जीसान अली इमाम हुसैन के परिवार के कत्ल होने वाले मेम्बरों पर जालिमों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना का बयान करते गए, वैसे वैसे लोगों की सिसकियां बढ़ती गई और आंखों से आंसुओं की नदियां बहती गई। इस मौके पर सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से पुलिस की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जहां लेडीज और जेंट्स पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होकर शाम तक चलता रहा, जिसका जुलूस बाजार की विभिन्न गलियों से होते हुए कर्बला के मैदान में पहुंचा और एक सभा में तब्दील हो गया। जुलूस के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए जुलूस के संचालक जीसान अली ने बताया कि यह चहलुम लोगों के बीच में भाईचारा को बढ़ावा देता है और मानवता का संदेश देने के लिए मनाया जा रहा है, जो मानवता का पाठ पढ़ाता है और एकता का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि कर्बला के मैदान में हुसैन घराना कत्ल कर दिया गया, जबकि हुसैन साहब पूरी दुनिया को मानवता, भाईचारा और एकता का संदेश दे रहे थे। वह लोगों को बताना चाहते थे कि आपस की नफरत छोड़कर एक हो जाइए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, माँ बहन भाई को अच्छे निगाहों से देखिए और गरीबों का हक मत मारिए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, अंधों को रास्ता दिखाइए। यह संदेश था हुसैन साहब का, जिस संदेश को देने के लिए वह भारत आए थे। वह चाहते तो दुनिया के किसी भी देश में जा सकते थे, लेकिन हमें भारतीय होने पर फख्र है कि हुसैन साहब ने भारत में आना ही पसंद किया, किंतु कातिलों को हुसैन की अदा पसंद नहीं आई और उनके पूरे परिवार को पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस जुलूस में सबसे बड़ी खासियत यह थी, एक तरफ जुलूस में लोग एक ताबूत को कंधा दे रहे थे, दूसरी तरफ एक वाहन पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा था। हिंदू समाज के लोगों ने अपने दरवाजे पर बने गड्ढे को मिट्टियों से पाट रखा था, जिससे जुलूस आसानी से गुजर सके। इसके लिए जीसान अली ने हिंदू भाइयों और प्रशासन के लोगों का आभार प्रकट किया। मैं इस जुलूस है इसका संचालन कर रहा हूं। और जी सर, इस जुलूस के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखें, समाज उसी वक्त स्वस्थ समाज होता है जहां हर एक को उसके अधिकार मिले, हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे। और स्वस्थ समाज की परिकल्पना वही की जाती है कि जहां धर्म हो। धर्म का काम होता है एक दूसरे को करीब लाना, एक दूसरे को आपस में जोड़ना, और धर्म का काम होता है एक दूसरे के अधिकारों को बताना। और हम जो संदेश देने के लिए निकले हैं वो हमारा अपना निजी संदेश नहीं है, बल्कि नवासे रसूल मामे हुसैन अलैहिस्सलाम का संदेश है, जो तकरीबन आज से 1400-1450 साल पहले इराक के सरजमीन पर इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की थी। वो अन्याय के खिलाफ थी, अराजकता के खिलाफ थी, अपराध के खिलाफ थी, एक स्वस्थ समाज के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इस्लाम धर्म जो है वो आतंकवाद का धर्म नहीं है, आतंकवाद का मजहब नहीं है, बल्कि वो हर एक, चाहे वो नदियों के अधिकार हों, पेड़ पौधों के अधिकार हों, समाज के अधिकार हों, मजदूरों के हों, यानी समाज के जितने भी अभिन्न अंग हैं उन सब का अपना अपना अधिकार है। जहाँ उन अधिकारों का हनन होगा वहाँ हुसैन की आवाज़ बुलंद होगी, और कर्बला इमाम हुसैन की आवाज़ बुलंद की थी। 1450 साल पहले इमाम अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश की थी, तो जो हाकिम यजीद था वो ये समझा था कि हमने इस आवाज़ को दबा दिया, कुचल दिया, सरोतन में जुदाई कर दी। लेकिन आप देखिए कि 1450 साल पहले जो आवाज़ को दबाया गया था, आज इतने आज़ादार जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इमाम हुसैन की आवाज़ है, जो लब्बैक या हुसैन की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, बल्कि दुनिया के जिस कोने में आप जाएंगे वहाँ हमेशा आपको ये हुसैनी आज़ादार दिखाई देंगे, जो काला लिबास पहन करके बताते हैं कि हम जालिम नहीं हैं बल्कि हम मजलूम के अनुयायी हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और हम मजलूमों का संदेश देने के लिए निकले। हाँ सर, जैसा कि जातिवाद का जहर पूरी तरह से नेताओं ने घोल दिया है समाज में चंद स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसके बाद भी आज हमने देखा सरायमीर की गलियों में जो हिंदू समाज के लोग हैं मुस्लिम समाज के लिए रास्ते पे मिट्टी बिछाए हुए हैं, रास्ता बराबर किए हुए हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो गैर मुस्लिम समाज के लोग आज ऐसा ही काम किए? देखिए, इसमें सच है कि हमें गर्व है और हमें नाज है कि हम भारतीय हैं और इस मिट्टी में जन्मे हैं जो भारतवर्ष की मिट्टी है। यहाँ पर मुख्तलिफ आस्थाएँ हैं, वेशभूषाएँ भी देखिए करीब आ रहा है,
यहाँ पे विजयदशमी के भी जुलूस निकलेंगे और हम अपने हिंदू भाइयों का, समाज के जितने लोग हैं, अपने सच का कि उन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, यही भारत की अनेकता में एकता है। दुनिया के नक्शे में भारत को यही ऊँचा करता है, भारत का सर इसी से ऊँचा होता है कि यहाँ इतनी आस्थाएँ रखने वाले लोग भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, देखने में आता है कि जो लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म हमसे क्या कह रहा है, हमसे अपेक्षा क्या कर रहा है, हमसे उम्मीद क्या कर रहा है। धर्म का काम, मैंने पहले भी कहा कि जोड़ने का काम है। धर्म जो है वो अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके एक अकलमंद, जिम्मेदार और स्वस्थ धार्मिक बनाने का हमें काम करता है, जहाँ ऐसे समाज की हम परिकल्पना करते हैं कि जहाँ माएँ अपने बच्चों को निकाल करके अच्छे समाज की परिकल्पना के लिए निकाल सकें और बिल्कुल हमें ये महसूस हो कि हमारा अधिकार यहाँ छीना नहीं जाएगा, हम एक दूसरे के दुर्दर्भ में खड़े हैं। यही कर्बला का पैगाम है। और मैं आपको एक बात बता दूँ आपके माध्यम से कि मुहर्रम कोई पर्व नहीं है, मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम इंसानियत के लिए दिल में धड़कने वाली वो आवाज़ है कि जिसे हम गम मनाने के लिए निकलते हैं। और शायद प्रशासन और शासन ने इसे समझा है, इसीलिए COVID-19 के इस माहौल में उन्होंने हमें परमिशन दिया है और उन्होंने शायद ये याद रहेगा कि हम लोगों ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और हमसे आप यही उम्मीद रखिएगा कि हम हमेशा और हमेशा एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। और हमें उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इमाम हुसैन की आज़ादारी होगी, ये संदेश जाना चाहिए कि किसी धर्म के मानने वाले हों, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ये त्यौहार और पर्व नहीं है बल्कि इमाम हुसैन का गम है। किसी घर में अगर जनाजा रखा हुआ होगा तो कौन ऐसा है, अरे हिंदू हिंदुस्तान का तो वो है कि जो जनाजों को देख करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, ये थोड़ी देखता है किस धर्म का है। तो यहाँ इमाम हुसैन ने इसीलिए कहा था कि जब इराक में यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया था, इमाम हुसैन ने कहा था मैं भारत जाने दो, हमें हिंदुस्तान जाने दो, वरना अरब के बहुत से ममालिक थे वहां जा सकते थे, मगर उन्हें हिंदुस्तान पे विश्वास जताया था। और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान के शहरियों ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के रहने वालों ने इमाम हुसैन को जो चाहा है, जैसी मोहब्बत की है, वो दुनिया में इसकी नजीर न मिलती है और न मिलेगी। हमें इस पर पूरा गर्व है और इस पर हमें नाज़ है।